धर्म बाहरे तो निकाल प्रकार। अभी जो कोरोना है वो ग्रामों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, और चूंकि टीकाकरण ही एक ऐसा कारगर उपाय है जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है, इस महामारी को रोकने के लिए टीकाकरण को 100% कराने के लिए आज हम ग्राम महोरा में आए हुए हैं, जहां 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको टीका लगना है। मुख्यतः ये देखा जा रहा है कि गांव में जो है दो तरह की भ्रांतियां हैं। पहला तो टीका लगाने की वजह से जो है बुखार, कमजोरी या मृत्यु जैसे चीज़ें जो है हो जाती हैं, ये बहुत से लोगों में जो है यह अफवाह फैली हुई है। दूसरा यह है कि चूंकि वो अभी वर्तमान में स्वस्थ हैं, इस वजह से वो टीका लगवाने में घबरा रहे हैं। उनको यह लगता है कि टीका लगवाने के बाद उनमें कमजोरी या फिर बुखार जैसी समस्याएं जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, और चूंकि वो अभी स्वस्थ हैं इस वजह से वो टीका लगवाना नहीं चाह रहे हैं। यही कारण है कि हम जो है गांव-गांव पहुंचकर लोगों को घर-घर जा के एक एक व्यक्ति से संपर्क करके लोगों में फैली हुई जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करते हुए उनको अधिक से अधिक मोटिवेट करते हुए टीकाकरण जो है वो लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ यह जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं कि वो खुद तो लगवाएं ही, साथ ही साथ अपने आस पड़ोस रिलेटिव जितने भी हैं उनको टीका लगवाने के लिए मोटिवेट करें और अधिक से अधिक मात्रा में टीका लगवाएं। ग्रामीण क्षेत्र पर जाने पर घर में टीकाकरण के समय क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को? दिक्कतें बहुत सी आ रही हैं, जैसे कि कई लोग जो हैं अपना दरवाजा ही बंद कर दे रहे हैं, घर से निकलना ही नहीं चाहते हैं। कई लोग यह देख के कि टीका लगवाने वाले आए हैं वो अपने घर को छोड़कर ही भाग जा रहे हैं। इसके अलावा कई लोग जो है टीका लगवाने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए जो है लगवाना ही नहीं चाहते हैं, जिद पे अड़ जाते हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा समझाने की आवश्यकता पड़ती है, और समझाने के बाद बहुत से लोग जो है वो टीका लगवाने में के लिए आगे भी आए हैं और सकारात्मक जो है रुचि भी देखने को मिल रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।